मेरा नाम नाविया है मैं चाइना से हूँ यह मेरे हस्बैंड इंडिया से है हस्बैंड का नाम हस्बैंड का नाम राजीव है वाह गुड क्लैपिंग 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 नमस्ते सारे लोगों को भाई लोगों को हाँ मेरी वाइफ चाइनीज हुई मैं 2013 से चाइना में हूँ मैं मेरी वाइफ से मिले हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं मैं जब पहली बार चाइना में आया था तभी मिला था लेकिन चूँकि उस समय में मैं पहली बार चाइना में पढ़ने के लिए आया था पढ़ाई पूरे करने के बाद मुझे चाइना में ही काम का मौका मिला मैं चाइना में अभी लंबे समय से हूँ लगभग 10 साल होने आए हैं मेरी वाइफ इंडिया गई हुई है और थोड़ी मोड़ी हिंदी भी बोलती है हम लोग जो अभी वीडियो बना रहे हैं वो चाइना में हमारे जो जीवन होते हैं जीवन है लाइफ है लाइफ हाँ तो है लाइफ कैसे होते हैं उससे रिलेटेड है और हमारे वीडियो में हम लोग आपको ये बताएंगे कि हम लोग चाइना में किस तरीके से रहते हैं मैं इंडिया में बिहार से हूँ मेरी वाइफ बिहार गई हुई है और बिहार में कहाँ से हैं खगड़िया है खगड़िया बिहार के एक जगह छोटे से शहर कहलाते हैं खगड़िया हम वहाँ से हैं मेरी वाइफ 2016 में पहली बार इंडिया गई मेरे परिवार से मिली मेरे परिवार उस समय में नहीं जानते थे कि हम लोगों का क्या रिलेशन है क्योंकि मेरी पहली यही सोच थी कि जब ये इंडिया जाए लोग इन्हें पसंद करें मेरे घर वाले इन्हें पसंद करें उसके बाद मैं बताऊं कि मैं आने वाले जीवन में इनके साथ रहना चाहता हूँ चूँकि मेरे ये प्लानिंग कामयाब हुए लोगों ने इन्हें पसंद किया और दोबारा यह 2019 में इंडिया गई उसके बाद क्योंकि कोविड के पीरियड लंबे समय तक थे और कोविड के पीरियड में इंडिया जाना पॉसिबल नहीं था हालांकि थोड़े समय पहले हम लोगों के प्लानिंग थे इंडिया जाने के मेरी वाइफ ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था लेकिन क्योंकि वीज़ा में बहुत लंबा समय लगा इसीलिए हम लोगों ने वो प्लानिंग फ़िलहाल कैंसिल कर दिया है और मैं चाइना में क्या करता हूँ और इतने लंबे समय जो चाइना में मैंने गुजारा मेरे क्या एक्सपीरियंस हैं मैं सारे अपने एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा चाइना की अच्छी बातें यहाँ की ऐसी चीज़ें जो हमारे देश से कुछ अलग है मैं सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूंगा वीडियो के माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए धन्यवाद धन्यवाद नमस्ते नमस्ते धन्यवाद धन्यवाद मेरी वाइफ पहले हिंदी नहीं जानती थी ये हिंदी बोलने में थोड़ी परेशान थी पहले भगवान 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 बोलो भगवान भगवान पकवान भगवान को पहले पकवान बोलती थी और क्या थी स्वागतम जो वेलकम होते हैं उन्हें पहले ये सकदम बोलती थी एक्चुअली में मुझे तो समझ में आ जाते थे लेकिन कुछ हमारे जो इंडिया से मित्र होते थे जो आते थे चाइना या फिर ये जब इंडिया गई उनसे जब ये कम्युनिकेट कर रही थी उनसे जब बातचीत कर रही थी जब भगवान ये बोल रही थी या स्वागतम बोल रही थी उन्हें समझ में नहीं आ रहे थे बाद में उन्हें पता चला अरे ये तो भगवान और स्वागतम बोल रही है तो बहुत मजे वाले वो सब पल थे आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा उम्मीद करता हूँ आने वाले वीडियो में मैं चाइना के बारे में और हमारे जीवन के बारे में मैं विस्तार से बताऊँ और आज का वीडियो यहीं तक नमस्ते प्रणाम बाय बाय नमस्ते बाय बाय